जरीपट का पुलिस ने 15 दिन पहले एक टैटू की दुकान में हुए चोरी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी का सामान जब्त किया है। जरीपट का थाना क्षेत्र में आने वाली कामठी रोड पर जया टैटू की दुकान है। 11 जून को दुकान के मालिक और फिरियादी दुकान बंद कर घर चले गए। दूसरे दिन दुकान में काम करने वाले व्यक्ति फिरियादी को फोन कर बताया कि दुकान का आधा शटर खुला है। फिरियादी ने दुकान की जांच की तो उन्हें पता चला कि दुकान में चोरी हुई है। उन्होंने तुरंत ही जरीपटका थाना जाकर शिकायत दर्ज कराई। चोरों ने दुकान से लैपटॉप और टैटू बनाने की वस्तुओं पर हाथ साफ कर दिया था। शिकायत मिलते ही पुलिस मामले को सुलझाने में जुट गई। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने समीर मेश्राम नामक व्यक्ति को संदेह के तौर पर गिरफ्त में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ करने पर समीर ने जया टैटू दुकान में चोरी करने का काबुली जवाब दिया। साथ ही इस मामले में और 3 आरोपी लिप्त होने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के काबुली जवाब पर उसे एक लैपटॉप और टैटू बनाने की वस्तु जब्त की है। आगे की जांच चल रही है। जरीपटका पुलिस स्टेशन कार्यक्षेत्र दिनांक 11/7/2021 रोजी इटारसी पुलियाच्या बाजूला असलेल्या विशाल टॉवर मधील एका टॅटूचं जे शॉप होतं त्या शॉपमध्ये घरफोडी अज्ञात चोरट्यांनी केली होती आणि त्या घरफोडीतून त्यांनी टॅटू काढण्याचे काही मशनरीज, इंक आणि इतर त्याच्याशी संबंधित काही ज्या वस्तू होत्या त्या त्यांनी चोरी करून नेल्या होत्या। अशा आशयाची फिर्याद दिल्यानंतर त्या अनुषंगाने तपास करत असताना आमच्या पोलीस स्टेशनकडील DB जे अधिकारी आहेत API धुमाळ, त्यानंतर पोलीस नायक गणेश गुप्ता आणि त्यांच्यासोबत पोलीस नायक आनंद मरसकुल्ले या सर्व टीमने त्या अनुषंगाने तपास करता त्यामध्ये त्यांना सदरचा जो गुन्हा आहे तो एक आरोपी नामे समीर सुरेश मेश्राम हा सध्या पोलीस स्टेशन वाटवडाच्या अंतर्गत राहतो याने केल्याबाबतची माहिती प्राप्त झाल्याने त्याच्याकडे अधिक तपास केला असता त्याच्या घराची गरजडती घेऊन त्याच्याकडून तपास केला असता जे चोरीस गेलेल्या ज्या मशनरीज आणि इतर वस्तू आहेत त्या त्याच्याकडून मिळून आल्या। त्या कारणाने त्याला ताब्यात घेऊन त्याला अटक केलेली आहे। त्याच्याकडून टीमने तपासादरम्यान टॅटू बनवण्याचं जे साहित्य आहे। कॅमेरा पर्सन मायकल रामपुरी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।